हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो है सिंधी ऑथेंटिक कुकी। तो अगर आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना है तो आप ये रेसिपी देखिए और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं, साथ ही ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, चटनी, अचार, या आप इसे नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून अजवाइन लिया है। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा जो है ये कुकी की मेन रेसिपी है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल अनियन को चॉप किया है। साथ ही मैंने कुछ कोरिएंडर जो लीव्स है वो लिया है और 1 ग्रीन चिली यूज़ की हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 स्पून जो है टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। घी से जो ये कोकी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और आप आगे देखिएगा कि जब वो बनेगी तो उसमें कैसे क्रैक आपको दिखेंगे। तो वो जो मोयन होते हैं ना उससे ये बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इन सबको ऐड कर ले और अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर ले, क्योंकि हम उसमें अनियन डाले हैं तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होती है। तो पहले बिना पानी से गूंदे, अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो धीरे धीरे पानी ऐड करके इसे आप नॉर्मल आटा जैसे हम गूंदते हैं वैसे एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लोई काट लूँगी। उसके बाद मैं इसे नॉर्मल जो आटा है उसमें एक बार डस्ट कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तवा गरम किया है। अभी मैं जितने भी लोई हैं सबको तवे पे 1 से 2 सेकंड के लिए रखूँगी। तो जब ये एक तरीके से सिक जाएगा, 2 सेकंड के बाद मैं इसे टर्न कर दूँगी और जो ऊपर का पार्ट था उसे भी मैं उसी तरीके से कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे जो है बटर पेपर लिया है और उससे मैं अपने हाथों से ही इसे फैला लूँगी। तो अगर आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं, बट मैं एकदम छोटे छोटे बना रही हूँ तो उसे मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और इसे आप थोड़ा सा मोटा ही रहने दें, ये एकदम पतली नहीं होती है, थोड़ा मोटा रहता है तो ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप इसमें ऑयल ऐड करें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैंने यहाँ पर रिफाइन लिया है क्योंकि घी मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, तो अभी मैं रिफाइन से सेक ले रही हूँ। उसके बाद ऐसे ही करके मेरी जितने भी कुकी हैं मैं सभी को सेक लूँगी। एकदम लो फ्लेम पे आप इसे सेकें, ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो जल जाएगी और अंदर से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारा कुकी बन करके तैयार है। प्लीज़ आप इसे ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप कभी भी स्नैक में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो इसे बनाइए और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू सून विथ न्यू रेसिपी। टिल देन बाय, टेक केयर।